बोलिए। अरे नाम नहीं बताइएगा तो कैसे मिलेंगे? यार, नाम में क्या लगा रखा है? आओ ना यहाँ, नाम भी बता देंगे तुमको। नहीं, नाम नहीं बताइएगा तो हम नहीं मिलेंगे। अरे इतना जिद कर दिया तो ठीक है, नाम में बता ठीक देंगे। है, मम्मी आ रही है, मैं रख रही हूँ। अरे यार मत रखो, मेरा दिल में कुछ कुछ होने लगता है। भाई दरवाजे, भाई आ रही हैं, वो बुला रही हैं। कल अगर मिलने आएगी तो हमको क्या कर देगी? चप्पल जूता और क्या? अरे यार चप्पल जूता लेकर क्या करेंगे? चप्पल जूता तो ये है। इधर मिलने के लिए गिफ्ट में। सुनो ना, हाँ जो चीज हम मांगेंगे वो मिलेगा। हाँ दूंगी ना, हाथ से दूंगी। इधर सुनो ना, हाँ ये नंबर तुम्हारा ही है ना? नहीं, का है, हमारे बड़े भैया का, जब हमको बात करने का मन करेगा तब। तो याद कर लीजिएगा। देखिए हमारे साथ एक लड़का है, आप देख सकते हैं हमारे साइड में, जो इनका नाम है मनीष कुमार जी। आप एक वीडियो काफी सारे वायरल होते हुए देख रहे होंगे कि जो एक लड़की के आवाज में, वॉइस में किस तरह से आदमी को प्रैंक करके और कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाते हैं। तो हमारे साथ जो मनीष है, आज एक मित्र को ये कॉल करेंगे और प्रैंक वीडियो बनाएंगे और उनको किस तरह से ये अपने तरफ आकर्षित करते हैं। सबसे पहले मनीष जी, आपका हम तक न्यूज में स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और आप सुनिए, आप जो है अभी जो आप सुनने में आए हैं कि आप लड़की का मेरी आवाज निकाल लेते जी हैं। हाँ, अच्छा, अभी किसको आप फोन करने वाले, किससे बात करने वाले? अरविंद फ्रेंड है मेरे, हाँ, उनको हम फ्रेंक करने वाले हैं। प्रैंक करने वाले आप, वीडियो इधर से फोन लगा कॉल कर उनसे करके बात, कॉल करके? जी हाँ। अच्छा लगाइए, तो आप किस अंदाज में उनसे बात करते हैं देखते हैं, हम लगाइए। हेलो, हाँ कौन? हम प्रिया, कौन प्रिया? हम प्रिया बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? हम मार्केट में मिले थे ना, मार्केट में? कौन सा मार्केट में? छातापुर। हम तो छतरपुर तो अभी तक नहीं गए हैं। ओ सॉरी, हम कहीं और लगा रहे थे। नहीं, सही जगह पर फोन लगा है। कौन सा सही जगह पे? आप जहाँ जगह पे फोन लगाई थी ना, फिर सिर्फ वही जगह पे लगाइए फोन। आपका नाम क्या है? नाम जान के क्या फंस करेंगे? गया, फंस गया। ऐसे ही क्यों? नाम नाम से नहीं क्या? जान सकती हूँ? नहीं, नाम से लेना देना क्या है? हाय ना। नाम को क्या करोगे, आधार कार्ड बनाओगी? हाँ क्यों नहीं, साथ में रखूंगी। साथ में? हाँ ओ माय गॉड, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, और बताइए, खाना हो गया? हाँ खाना हो शादी गया। शादी हुआ है। ओ, आप मैरिड हो अनमैरिड? अभी तो मैरिड नहीं हुआ हूँ। वाह, कितना झूठ बोल रहा है, देख लीजिए। शादी को कटाने के हम लिए भी जो है ढूंढ ना, रहे हैं हमें साथ। तो शादी नहीं की है। वाह, हम भी ढूंढ रहे साथ। हम भी ढूंढ रहे थे एक अच्छा सा बॉय। तो मिल तो गए हम दोनों, चलिए ना कहाँ पे? तो भाग के शादी कर लेते हैं दोनों आदमी। वाह, कहाँ पे ले जाइएगा? जहां पे बोलेगी वहां पे ले जाएंगे हनीमून मनाने के लिए। ऐसे स्विट्जरलैंड अच्छा होगा। ठीक है, वहीं पे चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में करती हूँ। नहीं, बाबा यार मत रखो फोन, यार मेरा दिल टूट जाएगा अगर फोन रखेगी तो। अच्छा एक बार बताओ, थोड़ा हाँ अगर हंसती है ना तो लगता है मेरा दिल को घायल कर दिया है। दिल इतनी अच्छी को वॉइस है थोड़ा क्या? इधर दिन में लग रहा है, थोड़ा थोड़ा गुदगुदी हो रहा है। अगर हंसती है ना तो लगता है पूरा गुदगुदी होने लगता है। ठीक है, हम लोग कब हम दोनों कब मिले? आप ही टाइम बताइए ना। कल सुबह? मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में टाइम नहीं है। ठीक कोचिंग जाती हूँ, मिल लेंगे। है, ठीक है, अपना नाम बता दीजिए ना। मेरा नाम
थोड़ा ना मिल जाएंगे, फोन करके बात कर लेंगे। तब नहीं लगता, वो नहीं लगता। वो आप जब कैसे मिलेंगे? आप बोलिए, नाम नहीं बताइएगा तो कैसे मिलेंगे? अरे यार, नाम में क्या लगा रखा है, आओ ना यहाँ, नाम भी बता देंगे तुमको। नहीं, नाम नहीं बताइएगा तो हम नहीं मिलेंगे। अरे इतना जिद कर दिया तो ठीक है, नाम में बता देते हैं। मेरा नाम रवि है। अच्छा, कितना स्वीट नाम है, और आप हो कि गंदे नाम बता रहे थे। मान के चले, पहले गाँव में नहीं होता है कि जिस नाम से प्रचलित रहता है तो उसी नाम, हमको अच्छा लगा वो नाम, तो इसीलिए इस नाम बोल दिए तुमको यही नाम। अच्छा, मतलब हमसे नाम छिपा रहे थे ना? अरे यार, तुमसे छिपा के क्या करेंगे? झूठा कहीं का। क्या बोले? झूठा कहीं का। हमसे नाम छिपा रहे थे ना? नहीं, हम तो दूसरे को समझ लिए। ओह, बहुत सोच लेते हो तुम। इधर सुनो ना। हाँ। कलाकार मिलने आएगी तो हमको क्या सब देगी? चप्पल जूता और क्या। अरे यार, चप्पल जूता लेकर क्या करेंगे? चप्पल जूता तो ये है मिलने के लिए, गिफ्ट में। इधर सुनो ना। हाँ। जो चीज हम मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ दूंगी ना। हाथ से दूंगी। क्या? हाथ से। हाथ से? हाँ। एक इधर सुनो ना। हमको बहुत मन कर रहा है किस करने का। पागल लड़का, गंदी बात यार। गंदी बात ये किस लेना, गंदी बात है तो क्या, अभी तो मिले भी नहीं है, नहीं तो बात किए हैं, बस एक ही दिन में सब कुछ चाहते हो। अच्छा ठीक है बाबा, मिलेंगे तो उसके मिल लेंगे ना उसके बाद। ठीक है, पहले पसंद तो आओ। क्या? मिलोगे तब ना पसंद करेंगे तब ना। अरे पसंद है, हम जो है ना है। आप कर लियो ना, हमने नहीं किए हैं। अरे करने वाला बात नहीं बोल रहे हैं, किस मांगते हैं किस? हम पसंद वाली बात बोल रहे हैं। पसंद वाली बात? हाँ, क्या पता आप काले कलोटे होंगे। अरे पापा, काले कलोटे नहीं है। एक बात बताओ, काले है तो क्या हम दिल वाले नहीं है? दिल वाले हो, बट चेहरा अच्छा होना चाहिए ना, ताकि शहर बाजार घूमेंगे तो कोई दूसरे ना, मेरी सहेली बोलेंगे ना कि हमारे पति कितने अच्छे हैं और तुम्हारे काले कलोटे हैं। अरे वैसे तो जो है ना सहेली सब वैसे ताना मारती रहती है। हाँ वो तो सही बोलती है, क्योंकि उसके ना हस्बैंड अच्छे अच्छे हैं, स्मार्ट दिखते हैं। इधर सुनो ना, हम बहुत प्यार से रखेंगे तुमको, ठीक ना? अच्छा, एक ही दिन में इतना? अरे यार, मेरे अंदर में जो बात आ रहा है ना, जो मेरे अंदर का फीलिंग हम मेरे और ऊपर चढ़ रहा है ना, वही कितना तेज है, देख लीजिए ये लड़का। ये फीलिंग जो है ना बरकरार, जब तक नहीं होता है कि सात फेरों से होता है जन्मों का बंधन, तो ये एक बंधन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सात जन्मों के लिए बोल रहा हूँ। वाओ, इतना सोच लिए एक दिन में? तो यार कैसे नहीं सोचेंगे। ठीक है मम्मी आ रही है। ठीक है मम्मी आ रही है, मैं रख रही हूँ। अरे यार मत रखो, मेरा दिल में कुछ कुछ होने लगता है। भाई आ रहे हैं, बुला रहे हैं। इधर सुनो यार, वो क्या बोलते हैं, शाहरुख खान का मूवी देखी है? नहीं देखी हूँ, आप दिखा दीजिए। ठीक है, इधर सुनो ना। हाँ। ये नंबर तुम्हारा है ना? नहीं, का है? हमारे बड़े भैया का। जब हमको बात करने का मन करेगा तब तो याद कर लीजिएगा दिल से। नहीं यार, हमको बात करने का अगर होगा तो कैसे करेंगे बात? आप हमें जानते नहीं हो ना, तो नाम ना पता ना ठिकाना, तो कैसे? अरे नाम तो हम जानबे नहीं करते हैं, प्रिया नाम है। नाम हम गलत बताए तो? अरे यार गलत हो ही नहीं सकते है, नाम इतना स्वीट अच्छा नाम है। आप नाम बताए तो हम भरोसा नहीं किए, आप कैसे भरोसा कर सकते हो, क्या पता हम गलत बोल लेंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लड़की कभी गलत नहीं बोलता है। अच्छा, एक दिन में इतना प्यार? मेरे अंदर जो ठीक है, अब रख रही हूँ। ठीक है, इधर उधर का बात लेके नहीं चलता हूँ। ठीक है, अब रख रही हूँ। अरे यार मत रखो, मेरे दिल में कुछ होने लगेगा बाबू। अरे चूतिया बंद कर, कमीने, महीने भर साल भर साथ रहा फिर भी नहीं मुझे पहचाना, कमीना कितने लड़की से बात करता है तू, रख दिया फोन, डरपोक।
देख रहे थे इनका जो दोस्त है किस प्रकार से उसको ये बेवकूफ़ बना दिए, और मनीष जो है ये काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है और किस प्रकार से लड़की की आवाज़ निकालते हैं और किस प्रकार से अपना दोस्त को ये मुर्गा बना दिया आज। इनको पता नहीं था दोस्त का कि हम अपने दोस्त से ही बात कर रहे हैं, वो लड़की के मतलब आवाज़ निकाल रहे हैं इनका। अच्छा, आपका जो मनीष जी आपका जो दोस्त था जब इसे बात कर रहे हैं, क्या उनको पता है आप लड़की की आवाज़ निकाल पाते हैं? नहीं, उन्हें नहीं पता था। नहीं था, इसलिए उसको आप मुर्गा बना दिया। अच्छा, ये फर्स्ट बार की है। अच्छा, फर्स्ट बार की है। अच्छा, इससे पहले कभी और कभी किसी दोस्त को इस प्रकार से उनको बनाया है? हाँ, बनाए। एक दिन बंधु नाम का लड़का था, उन्हें हम बनाए थे, जो नंबर नहीं जानता उस नंबर से हम कॉल किए थे, तो इसी तरह से फ्रैंक किए थे, तो वो भी नहीं जान पाया। दूसरा नंबर जो नंबर जानता था उस नंबर से हम कॉल किए उसको, तो उसके बाद हम बताए कि हम ही थे, तू कितने लड़की से बात करता है। तब हम हकीकत जान पाए उनके कि कितनी उनकी जीअप थी, गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, ये जो है कि आपको कब लगा कि हम लड़की की आवाज निकाल लेते हैं? साल भर पहले। साल भर से आपको एक्सपीरियंस है? जी हाँ। अच्छा, ये अभी तक में आप किसी जगह किसी को, इसे गांव में किसी को पता लग रहा है कि आपकी फीमेल का आवाज निकाल पाते हैं गांव में किसी को? नहीं नहीं नहीं, बस हमारे आशीष फ्रेंड है, बस उन्हें पता था बस। और का कोई अभी चैनल है जो आप अपना से खुद वीडियो बना रहे हैं, इस प्रकार से वीडियो कर रहे हैं? आशीष गुड्डू नाम से है मेरा चैनल, कभी कभी हम उसमें भी आते हैं, टाइम तो मिलता नहीं है, बस कभी कभी आते हैं। क्या लग रहा है आपको भी सोशल मीडिया पाना चाहते हैं, आप वीडियो बनाना चाहते हैं इस प्रकार से लड़की की आवाज निकाल करके? हाँ, बनाना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं ये मनीष है, इनको लग रहा है कि अब हम भी वीडियो बनाए और प्रैंक करें जिस प्रकार से लड़की की आवाज निकाल पाते, फीमेल की आवाज निकाल पाते हैं, और इसको आप काफी से काफी लोग प्यार दीजिए ताकि ये एक जो अपने इसके पास जो टैलेंट है, हुनर है, वो आप लोगों के सामने रख पाए और कहीं ना कहीं इसके अंदर वो टैलेंट है, लड़की का आवाज़ निकाल पाते हैं आप लोग। बाकी इसके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इनकी आवाज़ से आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये फीमेल की आवाज़ निकाल पाते हैं, तो आप लोग काफ़ी से काफ़ी इस मनीष को सपोर्ट कीजिए, लाइक कॉमेंट शेयर कीजिए, और इनसे आप मुलाकात भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर पाते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट में अपना राय विचार जरूर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहे हम तक न्यूज़, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।